पार्टी काफी देर से चल रही थी और अभी भी काफी सारे बिजनेसमैन राजन शाही और वायु के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करने के लिए उनके आसपास मंडरा रहे थे। भले ही वो आरवी से नहीं मिल सकते थे, पर सुल्तान और शिव जो उन दोनों के असिस्टेंट थे और क्योंकि आरवी का सारा काम ज्यादातर वही दोनों संभालते थे, इसे लोग उन्हें भी घेर कर खड़े थे। रावी और वीरा साइड में बैठे ये नजारा देख रही थी। रावी ने कहा, दी मैं काम करती हूँ, वहाँ जाकर बता देती हूँ कि आप और मैं आरवी हैं। वीरा ने बिना किसी भाव के रावी को देखा और कहा, तुम ऐसा कर सकती हो? रावी ने मुंह बना लिया और कहा, काश ऐसा हो पाता, पर सबको लगता है कि हम 20 साल की लड़कियां हैं। आज तक बहुत कम लोग जानते हैं कि हम दोनों की एज क्या है। ये कहते हुए वो सामने देख रही थी, तभी उसकी नजर रिद्धिमा प्रजापति पर पड़ी और उसका चेहरा बदल गया। वीरा ने रावी के चेहरे के भावों को देख लिया। उसने भी उसी दिशा में देखा और कहा, तुम क्या देख रही हो? रावी अपने सेंसेस में लौटी और उसने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं देख रही। वीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपके से रावी के रिएक्शंस को अपने दिमाग में नोट कर लिया। इधर प्रजापति खानदान के सारे लोग अलग अलग होकर धैर्या को ढूंढ रहे थे, जो उन्हें कब से मिल ही नहीं रही थी। धीरज जी रिद्धिमा जी के पास आए और उन्होंने कहा, रिद्धिमा वो मिल जाएगी, अगर वो इस तरह हमारे सामने आई है तो ये ईश्वर की मर्जी है, वो हमारे साथ जरूर होगी। रिद्धिमा जी ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, हमारे बेटे और बहू की आखिरी निशानी है, वो हमें वो अपने पास चाहिए। स्वीटी जो अभी उनके पास आई थी उसने कहा, पर दादी पहले हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा ना, हमें ऐसे कैसे उस लड़की को हमारी फैमिली का मेंबर बना सकते हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि धैर्या उसकी बड़ी बहन बन रही थी। रिद्धिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम तुम्हारे ताया जी और ताई जी से नहीं मिली थी, वो उन दोनों की परछाई है। जिस तरह उसने डांस किया था और जिस तरह वो बातें कर रही थी, वो बिल्कुल तुम्हारी ताई जी की तरह था, और उसकी आंखों की वो चमक और फेशियल फीचर्स तुम्हारे ताया जी की तरह थे। हम तुमसे कह रहे हैं, वो जरूर हमारे मृत्युंजय की बेटी है। दूसरी तरफ हॉल के बाहर बैक साइड पर एक कार खड़ी थी। धैर्या जल्दी से कार के पास पहुंची और उसने उस कार के सामने खड़े लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम आ गए। लड़का मुड़ा और उसने कहा, तुमने कितना समय लगाया? धैर्या ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, तुम्हें पता है ना हम यहाँ कितना काम कर रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं जगह को सजा दिया और हो गया। केविन ने मुंह बनाया और कहा, क्या तुम्हें ये सब आसान लगता है? धैर्या ने आंखें गोल घुमाकर कहा, हम इस बारे में बाद में झगड़ा करेंगे, पहले हमें एक जगह पर पहुंचा दो। तुमने सब तैयार कर दिया है ना, याद रखना अगर कुछ भी गलत निकला ना तो हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। केविन ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े और कहा, हाँ मेरी माँ सब कर दिया है। धैर्या उसके साथ कार में बैठ गई और वो वहां से निकल गए। पार्टी हॉल में अहाना चुपचाप एक कोने में बैठी थी और अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देख रही थी। शिव ने वहां आकर कहा, मैम 12 बज गए हैं, हमें चलना चाहिए। रावी ने मुड़कर शिव को देखा और कहा, मुझे एक बार मम्मा से मिलना है। अहाना ने हिम्मत करके कहा, उसे बहुत काम है और वो आज नहीं आ पाएगी। दोनों लड़कियों ने आंखें छोटी करके अहाना को देखा। अहाना ने हकलाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैं सच कह रही हूँ। रावी ने जल्दी से अहाना के हाथ से उसका फोन छीना और धैर्या के नंबर को डायल कर दिया। फोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई। धैर्या ने कहा, रावी आपको अहाना मासी की बात पर विश्वास नहीं है? रावी ने मुंह बनाकर कहा, आपको कैसे पता मैंने आपको इसीलिए फोन किया है? धैर्या ने हंसते हुए कहा, हम अपनी बेटियों को अच्छे से जानते हैं, हम इस समय बाहर आए हैं और थोड़ी देर में वापस पार्टी में जाएंगे और फिर शायद काम के कारण हम सुबह ही घर आ पाए। रावी ने कहा, ठीक है मम्मा, आप अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी हो तो मौसी को फोन कर देना, हम आपकी मदद करेंगे। धैर्या ने उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, पर वो नहीं जानती थी आने वाला समय उसे अपनी बेटियों की असलियत से सामना कराएगा। धैर्या ने थोड़ी देर बात करके फोन कट कर दिया। लड़की अपनी मम्मी के जवाब से सेटिस्फाई हो गई थी और अपनी टीम के सारे मेंबर्स को लेकर वहां से निकल गई। जाने से पहले वो दोनों वायु से मिली थी, जो पास में ही खड़ा था। वायु ने अपने घुटनों के बल बैठकर उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, सच में आप दोनों बहुत इंप्रेसिव हैं, उम्मीद करता हूँ हम आगे साथ में काम करेंगे। अपने सिर पर हो रही गर्माहट और भारीपन को लड़की अपने दिल में हो रहे एहसास को छोड़ते हुए महसूस कर रही थी। दोनों ने अपना सिर उठाया। वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, हमें भी आपके साथ काम करके खुशी हुई, जैसा कि आपके बारे में सुना था सब कुछ वैसा ही निकला, इवेंट काफी इंप्रेसिव रहा और सक्सेसफुल भी जरूर होगा। हमारी अगली मीटिंग 4 महीने बाद होगी, जब प्रोडक्ट के फर्स्ट वर्जन का प्रॉफिट सामने आएगा, तब तक के लिए हम चलते हैं। वायु दुखी था क्योंकि वो 4 महीने तक उन दोनों लड़कियों से नहीं मिल पाएगा। रावी ने वायु को गले लगाया और उसके गाल पर किस करके कहा, बाय। वायु ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कह दिया। सब हैरानी से उसी तरफ देख रहे थे जहां एक अजीब सी घटना हो रही थी। वायु राजवंश द क्रूअल बिजनेसमैन, जिसे मुस्कुराना भी नहीं आता था, वो हंसते हुए दो बच्चियों से बात कर रहा था। लड़कियां जो प्रज्ञा भाटिया की टीम और राजन शाही के साथ में खड़ी थी, लोगों को लग रहा था कि वो उन मॉडल्स में से होगी जो पहले स्टेज पर आई थी, इसीलिए उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर उनका ध्यान वायु की मुस्कुराते हुए चेहरे पर था, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था। लड़कियां तो उसे देखकर पागल हो चुकी थी। उन लोगों के वहां से निकल जाने के बाद वायु के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने जैसे ही फोन निकालकर मैसेज पढ़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इवेंट अभी भी चल रहा था और पार्टी को पूरी रात के लिए चालू रखा गया था। कई सारे गेस्ट वहां से जा चुके थे और कुछ अभी भी वहां रुके हुए थे। बिजनेसमैन अपनी डील्स को पूरा करने के लिए इस जगह को एक बेहतर प्रॉफिट के लिए सही समझ रहे थे और लेडीज ज्यादातर ना मिल पाने के कारण अपनी किटी पार्टी की तरह वहां एंजॉय कर रही थी। निर्मला देवी ने आसपास देखकर कहा, वायु कहाँ है, हमें दिख नहीं रहे। कृपा जी ने कहा, माई उनका इवेंट है, जाहिर है जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। निर्मला देवी मुड़ी और उन्होंने कहा, हम राजन से भी नहीं मिल पाए, वो काफी ज्यादा व्यस्त था,
उसकी कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। शायद जो बच्चियाँ उसके साथ थी वही आरवी थी। वैभव जी ने कहा। कौन सी बच्चियाँ? कृपा जी ने उन्हें सारी बात बताई। वैभव जी ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, वो लड़कियाँ जिन्होंने आसमानी रंग का फ्रॉक पहना था और आरएस कॉर्पोरेशन के लोगों के साथ दिख रही थी, वो आरवी थी। निर्मला देवी ने अपनी आंखों में एक चमक लिए कहा, देखना हमारे वायु के बच्चे भी इतने ज्यादा काबिल होंगे, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। कृपा जी और वैभव जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें निर्मला देवी की इन बातों की आदत हो चुकी थी। गौरव जी भी उधर ही बैठे थे। उन्होंने रमन को फोन किया और वो उसका जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने खुद से कहा, रमन तुम क्या करने वाले हो? उनका बेटा काफी दिनों से एक प्लानिंग बना रहा था जिसके बारे में उसने उन्हें नहीं बताया था और उन्हें एक खतरे का एहसास हो रहा था। सुनसान सड़क पर एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और खाली सड़क पर उसके हेडलाइट से आसपास के पेड़ों को देखा जा सकता था। वो कार एक ऊंची सी पहाड़ी पर आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर आया जिसने डार्क ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना था। उसकी नीली आंखें जगह को घूर के देख रही थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने कहा, धैर्या कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। वायु काफी परेशान था। जब वो इवेंट में था तो उसे एक मैसेज आया था जिसमें किसी ने उसे बताया था कि धैर्या ने उसे कहा था कि कोई उसे कहीं ले गया है और उसे बहुत डर लग रहा है। वायु ने मैसेज की लोकेशन देखी जो सही थी और फिर से धैर्या को पुकारने लगा। उसने खुद से कहा, हेवन माउंटेन पर कैसे? इस जगह के बारे में तो कोई नहीं जानता। वो जगह मैंने सिर्फ धैर्या के लिए बनाई थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, अचानक से जंगल के बीच में एक स्क्रीन चमकती हुई दिखाई देने लगी। वायु ने तुरंत अपनी नजर को उस तरफ किया। प्रोजेक्ट पर धैर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। उसने कहा, वायु हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इस तरह डरा कर यहाँ बुलाया, पर एक बात है जो हम आपसे करना चाहते हैं। अच्छा हम गलत हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। धैर्या के इतना कहने पर स्क्रीन ब्लैक हो गई और फिर दोबारा चमकने लगी। इस बार उस पर एक लड़की की फोटो दिख रही थी जिसने सफ़ेद कलर का सूट पहना था और उसका चेहरा कमजोर और पीला दिख रहा था। वो धैर्या ही थी। उसके बाद दूसरा फोटो जिसमें धैर्या प्रतिभा देवी और आहाना के साथ खड़ी थी और उसके दोनों हाथ में कॉटन कैंडी थी। वह एक छोटी सी बच्ची की तरह दिख रही थी और उसका थोड़ा वेट बढ़ा हुआ भी दिख रहा था। हर गुजरती फोटो के साथ वायु की आंखें नरम होने लगी थी। तभी जो फोटो स्क्रीन पर दिखी उसे देखते ही वायु के दिल की धड़कन तेज हो गई। धैर्या ने एक लॉन्ग फ्रॉक पहना था और उसका पेट थोड़ा बड़ा हुआ था जिस पर वो हाथ रखकर खड़ी थी। जुड़वा बच्चे होने के कारण उसका पेट नॉर्मल लेडीज से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दिखता था। वायु का शरीर कांप रहा था और वो बदलती हुई तस्वीरों को देख रहा था। हर बदलती फोटो के साथ धैर्या के पेट का साइज बढ़ रहा था। किसी में वो पार्क में बैठी थी तो किसी में वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद एक हॉस्पिटल की तस्वीर दिखी जिसमें धैर्या बेड पर लेटी थी और उसके साइड में दो सुंदर बच्चे थे। वायु का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम जमी हुई बर्फ में धंसते जा रहा है। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी होती जा रही थी। तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसका दिल धड़कना छोड़ चुका था। प्रोजेक्ट पर धैर्या दो छोटे छोटे बच्चों को अपने पास लेकर बैठी थी। बच्चों के मोटे मोटे गाल बहुत ज्यादा गुलाबी थे। उनकी नीली आंखें बड़ी बड़ी और प्यारी दिख रही थी। उसके बाद धैर्या एक पार्क में दिखाई दी जिसमें उसने 2-4 साल की बच्चियों का हाथ पकड़ा था। लड़कियों ने येलो कलर की फ्रॉक पहनी थी और वो मुस्कुराते हुए धैर्या के साथ चल रही थी। उसके बाद एक फोटो में दोनों लड़कियां 5 साल की थी और दोनों ने ही स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। उनकी नीली आंखें जो पहले मासूमियत और खुशी से भरी थी अचानक से कोल्ड और ठंडी दिख रही थी और धैर्या मुस्कुराते हुए उन्हें स्कूल के अंदर ले जा रही थी। वायु को उनका चेहरा बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था, खास करके उनकी आंखें। वायु को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसा सपना देख रहा हो जिसे वो हमेशा सच करना चाहता था। वो चाहता था कि धैर्या उसके बच्चों की माँ बने, पर क्या वो सच में हो रहा था? ये सोचते हुए वो स्क्रीन को देखे जा रहा था जिस पर तस्वीर बदलती जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक फोटो पर टिक गई। लड़कियों ने देहरादून पब्लिक स्कूल की ड्रेस पहनी थी और उनकी नीली आंखें सामने दिख रही थी। उन्हें देखते ही वायु को वो दिन याद आ गया जब वो हर्ष को स्कूल लेने गया था और ऐसे ही दो बच्चे उसे स्कूल बस में जाते हुए दिखे थे और उसे वो फोटो भी याद आई जो राका ने उसे दी थी। उसने अपने हाथों की इतनी कसकर मुट्ठी बनाकर रखी थी कि खून गायब होकर हथेली सफ़ेद होने लगी थी। उन फोटो के बाद एक रिपोर्ट स्क्रीन पर दिखने लगी जो वायु और रावी वीरा की डीएनए रिपोर्ट थी। वायु अपने कदमों को उस बड़ी सी स्क्रीन की तरफ बढ़ा रहा था। वहां पहुंचकर उसने स्क्रीन को छुआ, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, हमारी बेटियां। हाँ वायु, वो आपकी बेटियां हैं। वायु स्क्रीन की तरफ देख रहा था जहां रावी वीरा और धैर्या सेम ड्रेस पहने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। धैर्या अपने कदमों को धीरे धीरे वायु की तरफ बढ़ा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था ये सोचकर कि वायु कैसा रिएक्ट करेगा। वायु मुड़ा और धैर्या को देखने लगा। धैर्या ने नारंगी रंग का लहंगा पहना था। वो बिल्कुल वैसा था जैसे उसने तब पहना था जब वो पहली बार इंदौर आई थी। बालों का जूड़ा बना हुआ था जिसमें गहराई से भरे सिंदूर को देखा जा सकता था। गले में ब्लैक डायमंड की चेन चमक रही थी। हाथों की चूड़ी और पैरों की पायल उसके चलने पर शोर कर रही थी। वो एक दुल्हन की तरह लग रही थी, पर उसका चेहरा थोड़ी परेशानी से भरा था। वो कुछ कदमों की दूरी पर रुक गई और उसने कहा, हम ही वो सैरोगेट मदर हैं जिसने आपके बच्चों को जन्म दिया था। वो दोनों आपकी बेटियां हैं वायु। इससे पहले कि धैर्या कुछ और कहती, उसे अपने दोनों कंधों पर दर्द महसूस हुआ। वायु ने काफी जोर से उसके दोनों कंधों को पकड़ रखा था और वो गुस्से से उसे घूर रहा था। उसने कहा, तुम जानती थी, तुम सब जानती थी। तुमने 7 साल तक मुझसे मेरे बच्चों को छुपा कर रखा। तुम खुद छुप रही थी। क्या यह किसी तरह का बदला है? क्या तुम मेरे प्यार को कोई खेल बनाकर खेल रही हो? बताओ धैर्या।
वायु का दिमाग कुछ और नहीं सोच पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उससे इतने सालों से ये सच छुपा कर रखा और अब वो किसी तरह की प्लानिंग के साथ यहाँ आई है। पर उसके दिल का हर एक कोना इस बात को इनकार कर रहा था। पर उसका दिमाग जो कई सारे दुश्मनों और धोखेबाजों के ख्यालों से भरा था, वो धैर्य पर उसे विश्वास नहीं करने दे रहा था। धैर्य की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने वायु को खुद से दूर करते हुए कहा, हमें दर्द हो रहा है। वायु ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दर्द वो तो मुझे हो रहा है, मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोला। वायु राजवंश आज भी जो लोगों के लिए सिर्फ एक सपना था जिसे वो कभी नहीं देख सकते, वो तुम्हारे लिए हकीकत बनकर आया था और तुमने क्या किया, उसे तोड़ दिया। क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? इतने समय से हम साथ में थे, फिर तुमने कभी नहीं बताया कि मेरी दो बेटियां हैं। यहां तक कि जब मुझे पता चला कि हर्ष मेरा बेटा नहीं है और मैं बुरी तरह टूट चुका था, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता, तब भी तुमने ये नहीं बताया कि मैं पहले से ही दो बेटियों का पिता हूँ। ये कहते हुए वायु ने धैर्य को दूर धकेल और कहा, नहीं अब नहीं, मैं तुम्हारे किसी झूठ को नहीं सुनूंगा, मुझे अपनी बेटियां चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी? नहीं धैर्य, तुम मेरी हो, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। ये सब वायु अपना सिर दूसरी तरफ करके कह रहा था, इसीलिए वो ये नहीं देख पाया कि धैर्य वहां से जा चुकी थी हेवन माउंटेन। वायु जब पीछे मुड़ा तो उसे धैर्य कहीं दिखाई नहीं थी। ये देखकर वो बेचैन हो गया, पर तभी उसे धैर्य का दिया धोखा याद आ गया और वो गुस्से में वहां से जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया, पर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो और आगे जाता, उसे धैर्य की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा और उसने देखा प्रोजेक्टर जिस पर एक फोटो दिख रही थी, अचानक एक वीडियो दिखने लगा था जिसमें धैर्य मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी। उसने कहा, वायु जिंदगी कितनी अजीब होती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि 7 साल पहले जिस शहर में हम घूमने आए थे वो हमारी जिंदगी बदल देगा, और 7 साल बाद जब हम लौटकर वापस इस शहर में आएंगे तब वो उस बदली हुई जिंदगी को और खूबसूरत बना देगा। रावी और वीरा जानते हैं, ये उनके नाम है। जब हमें पता चला था कि हम माँ बनने वाले हैं तब हमारे गाँव के लोगों ने हमें निकाल दिया था और हम भी ये जानकर हैरान हो गए थे कि हम माँ कैसे बन सकते हैं। पर जैसे जैसे हमने हमारे अंदर जिंदगी को महसूस किया, उन दोनों को जन्म देने की इच्छा हमारे अंदर और बढ़ने लगी। वो दोनों लड़कियाँ हमारी जिंदगी बन चुकी थी। वो हमेशा हमसे पूछती थी कि उनके पिता कौन है, पर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते थे कि वो कौन है। ज्योति ने हमारे साथ धोखा किया था जिस कारण वो प्रोसेस हमारे साथ हुआ था, पर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी वो बच्चे किसके हैं क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए हमारा अंश थे। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद, आपके प्यार को समझने के बाद, हमने इस सच का पता लगाने का फैसला किया। पहले तो हम चाहते थे कि आप हमसे दूर रहें क्योंकि कोई भी ऐसी औरतों के साथ क्यों रहेगा जिसके दो नाजायज बच्चे हों, पर हमारे दिल ने ये कभी मंजूरी नहीं दी कि हम आपसे दूर हों। आप कहते थे ना कि हमें एक अनचाही डोर ने बांध रखा है, वो डोर रावी और वीरा है। ये जानने के बाद कि हमें दिल की बीमारी है और हम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, हमें अपनी बेटियों के लिए डर लगने लगा था। इसीलिए हमने आपकी खोज की और ज्योति से जानने की कोशिश की थी कि आखिर उन दोनों का पिता कौन है, पर उसने कभी नहीं बताया। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। हमें पता चल ही गया और हमने ज्योति की सच्चाई भी आप सबके सामने लाई। जानते हैं आप सोच रहे होंगे कि हमने ये आपको कभी क्यों नहीं बताया, पर इसके पीछे भी एक कारण है। वायु हमारी बेटियों ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, लोगों के ताने, बातें और दर्द, वो दोनों कभी नहीं बताती, पर हम जानते हैं कि वो हमेशा हमें खुश देखना चाहती हैं और वो उस इंसान को गलत समझती हैं जिसने हमें अकेला छोड़ दिया था। उन्हें लगता है कि उनके पिता एक बुरे इंसान है और हम पहले आपकी छवि उनकी नज़रों में अच्छी करना चाहते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं था, हम चाहते थे कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी बेटियों के पीछे कोई हो, क्योंकि हमारा तो वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है। वायु, हम नहीं जानते कि सच जानने के बाद आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, पर हम बहुत हिम्मत करके आपको ये सब बताने वाले हैं। हमारा विश्वास कीजिएगा, हमें भी ये बातें कुछ महीने पहले ही पता चली है। एंजल क्लॉथ इवेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हम आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ये भी एक कारण था आपको सच ना बताने का। अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो हम साथ में होंगे और अगर कुछ बुरा हुआ तो हम आपको छोड़ देंगे। छोड़ देंगे वायु, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसने हमें कई सारे रिश्ते दिए हैं। आपने हमें वो खुशी दी है जो हमें जीने की वजह देती है। अगर हमारी मौत हो जाए तो हमारी बेटियों का ध्यान रखिएगा। यह कहते हुए धैर्य रो रही थी और वायु खाली आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और कहा, मतलब धैर्य इस बारे में नहीं जानती थी तो फिर मैंने। ये कहते हुए उसे वो सारी बातें और अपने एक्शंस याद आ गए जो उसने अभी थोड़ी देर पहले किए थे। वो मुड़ा और आसपास की अंधेरी जगह में धैर्य को देखने लगा, पर उसे सन्नाटे से भरे जंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। दौड़ते हुए वो सारी जगह उसे ढूंढ रहा था। हेवन माउंटेन में कई ऐसी जगह थी जो वायु ने बनाई थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वहाँ क्या क्या है और वो जोर जोर से धैर्य का नाम पुकारते हुए घने जंगल में भाग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। लड़की जो 7 साल पहले उसकी जिंदगी में आई थी, आज उसे पता चला था कि वो उससे तब से जुड़ी थी जब वो उसे जानता भी नहीं था। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। हेवन माउंटेन में ज्यादा जंगली जानवर नहीं थे, तब भी कुछ ऐसे जानवर थे जो जानलेवा हो सकते थे। ऊपर से धैर्य की हार्ट कंडीशन और उसे इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो वायु ने दिया था, वो उसे और परेशान कर रहा था। वो वहां से दूसरी तरफ जा ही रहा था कि उसे एक बड़ा सा टेंट दिखाई दिया जो राउंड शेप का था। उसके आसपास कई सारे जुगनू घूम रहे थे। टेंट के अंदर पीली रोशनी में एक परछाई दिख रही थी। वायु ने राहत की सांस ली और टेंट की तरफ बढ़ गया। उसके चलते समय सारे जुगनू उसके आसपास घूम रहे थे और गुलाब के फूलों का बगीचा हल्का लाल रंग में दिख रहा था। वो झुककर टेंट के अंदर गया और उसने पाया कि एक लड़की अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। उसने कहा,
हम चले जाएंगे। उन्हें क्या लगता है हम झूठे हैं? हमें उनसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमें धक्का दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमें चोट लग सकती है। उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। हम हमारी बेटियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर देखते हैं वो कहाँ ढूंढते हैं हमें। वायु कब से उसके पास बैठा उसकी उन सारी बातों को सुन रहा था और हर एक बात को सुनकर वो थोड़ा उदास हो गया था। उसने धीरे से कहा, तो तुम सच में चली जाओगी? मुझे उनसे एक बार मिलने भी नहीं दोगी? धैर्या ने जब वायु की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। कुछ पल तक हैरानी से उसे देखने के बाद उसके होठों से दो ही शब्द निकले, आपके कारण। वायु को बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर मैं क्या करूँ, मुझे इतनी बार धोखे मिल चुके हैं कि मैं किसी भी सच को जल्दी अपना नहीं पाता हूँ। धैर्या ने उसके हाथों को दूर किया और कहा, तो आपको हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं था? क्या आपका प्यार इतना कमजोर था? हमने सोचा था सच जानने के बाद आप खुश होंगे, पर हम गलत थे। ये कहकर वो उठकर वहां से जाने लगी कि तभी वायु ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधे उसके ऊपर गिर गई। दोनों टेंट में पीछे गद्दे के ऊपर थे। धैर्या वायु के ऊपर थी और अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। वायु ने अपने हाथ उसकी कमर पर कसे और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस कर लिया। काफी देर तक उसे किस करने के बाद वो उससे अलग हुआ और उसने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, सॉरी जान,